कैम्ब्रिज सीनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय आरएन मिश्रा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 255 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 181 ऑफ 255 टू इंटू इंग्लिश। ठीक है, हमेशा की तरह वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर करने का कोशिश किया कीजिए और फिर मैं आंसर संग संग बताते जाता हूं तो उसको मिलाते रहिएगा। मुझे पढ़ाया जाएगा, आई शैल बी टॉट, शॉर्ट फॉर्म आई शैल बी टॉट। तुम्हें पीटा जाएगा, You will be beaten. You'll be beaten. उसे याद किया जाएगा, She will be remembered. Or he will be remembered. Short form, she'll be remembered, he'll be remembered. वे लोग बर्खास्त किए जाएंगे, they will be dismissed, they'll be dismissed. आप लोग पुरस्कृत किए जाएंगे, you will be rewarded, short form you'll be rewarded. Okay. खेत जोता जाएगा, The field will be plowed. The field will be tilled. आगे देखिए, पुराने वृक्ष काटे जाएंगे, Old trees will be felled. Match khela jayega. A match will be played. Kapde dhoye jayenge. Clothes will be washed. खेत की सिंचाई की जाएगी, The field will be irrigated. सड़कों की मरम्मत की जाएगी, Roads will be repaired. घर की सफेदी की जाएगी, The house will be white washed. नए वृक्ष रोपे जाएंगे, New trees will be planted. कमजोर छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा, Weak students will be encouraged. Okay. रवि द्वारा इस काम को खत्म किया जाएगा, This work
will be done by Ravi. Okay, खत्म किया जाएगा ना, तब यहाँ finished. ठीक है, this work will be finished by Ravi. हम लोगों से खेलने के लिए कहा जाएगा. We shall be told to play. We shall be asked to play. Short form, we shall be told to play. We shall be asked to play. राहुल को वहां जाने का आदेश दिया जाएगा. राहुल विल बी ऑर्डर्ड टू गो देयर. रागिनी से गाने का अनुरोध किया जाएगा. रागिनी विल बी रिक्वेस्टेड टू सिंग. चिकित्सक द्वारा रोगी को नियमित रूप से दवा खाने का परामर्श दिया जाएगा. द पेशेंट विल बी एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक द ओके टेक मेडिसिन रेगुलरली. ठीक है, आइए हिंट्स देखते हैं. हिंट्स फॉर एक्सरसाइज 181 ऑफ 255. धोना टू वॉश, सिंचाई करना टू इरिगेट, मरम्मत करना टू रिपेयर, सफेदी करना टू वाइट वॉश, प्रोत्साहित करना टू एनकरेज, अनुरोध करना टू रिक्वेस्ट, नियमित रूप से रेगुलरली, दवा खाना टू टेक मेडिसिन. यहाँ पर हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस, सामान्य भविष्यकाल के बारे में सेंटेंसेस बनाए. अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग सारा पॉजिटिव सेंटेंस बनाए थे. ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, प्लस बी, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस अदर वर्ड्स. अब नीचे के वाक्यों को ध्यान से पढ़ें, एग्जाम्पल्स हैं. अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट यहाँ पे बहुत सारा चीज़ बताया जा रहा है, बहुत सारी और डिटेल्स हो सकती है. तो देखिए, ये लेसन 181 है. इसका मतलब क्या हुआ कि लेसन 1 से ये सीरीज़ चलता आया, तो हर एक लेसन में मैं थोड़ा थोड़ा कुछ बताता जाता हूँ. ठीक है, इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट लाइन से सारे वीडियोस को देखते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, उनका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता जाता है. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं कुछ और एग्जांपल्स. मुझे खिलाया जाएगा, आई शैल बी फेड. शॉर्ट फॉर्म, आई शैल बी फेड. तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, यू विल बी टॉट. यू विल बी टॉट. उसे पुरस्कृत किया जाएगा, ही विल बी रिवॉर्डेड. He'll be rewarded, she will be rewarded, she'll be rewarded. ठीक है, आगे देखिए. हम लोग दंडित किए जाएंगे, we shall be punished, we shall be punished. वे लोग याद किए जाएंगे, they will be remembered, they'll be remembered. ठीक है, एक कंप्यूटर खरीदा जाएगा, a computer will be purchased, a computer will be bought. पुराने मोबाइल फोन बेचे जाएंगे, old mobile phones will be sold. रवि द्वारा इंटरनेट का व्यवहार किया जाएगा, the internet will be used by Ravi. ठीक है,